हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लॉकडाउन में मंडल के विभिन्न ग्रामवासियों को अब किसी भी बैंक में बिना जाए नकद निकासी की हुई व्यवस्था। मंडलायुक्त ने बैंकर्स एवं डाक विभाग के प्रतिनिधियों को दिया निर्देश। कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए समाज सेवी डॉक्टर अजीज अहमद ने तबलीगी जमात के लोगों को दी सलाह, खुद ही आगे आकर करें सहयोग। नागरिकों से की अपील, कहा लगाएं मास्क, करें हैंड वॉश या साबुन से धोए हाथ, अपने घरों में रहकर अदा करें नमाज, मिलेगा वही सवाब। हैंड सैनिटाइजर में प्रयुक्त रॉ मटेरियल डी नेचर्ड स्प्रिट का लाइसेंसी थोक विक्रेता द्वारा स्प्रिट की थोक बिक्री रेट 120 रुपए लीटर के साथ साथ स्प्रिट को 100 ml की शीशी में पैकिंग कर 40 रुपए के मूल्य से बिक्री कर की जा रही है कालाबाजारी, कहा आबकारी विभाग ने दिया है लाइसेंस। लॉकडाउन के दौरान रविवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने महेवा स्थित तीनों मंडियों का किया निरीक्षण, कहा नई व्यवस्था के बाद कंट्रोल में है भीड़, दुकानदार कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लॉकडाउन के दौरान रविवार की सुबह एसपी ट्रैफिक ने मेडिकल स्टोरों का किया निरीक्षण, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने तथा मास्क लगाने के दिए निर्देश। नगर आयुक्त ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में सफाई कर्मियों को किया सम्मानित, कहा लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी में सफाई कर्मी दिन रात दे रहे हैं अपनी सेवाएं। क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र गोरखपुर में रविवार तक गोरखपुर और बस्ती मंडल के 694 सैंपलों की कोविड 19 के जांच में मिले 14 सैंपल पॉजिटिव, 680 सैंपल मिले निगेटिव। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने दी जानकारी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए बांसगांव सर्किल क्षेत्र में लॉकडाउन का कड़ाई से कराया जा रहा है पालन। सीओ बांसगांव नितेश सिंह ने आम जनमानस से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही 14 अप्रैल तक चलेगा वितरण प्रणाली, ओवर रेटिंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। लॉकडाउन के मद्देनजर ईसाई समाज ने घरों के भीतर ही मनाया ईस्टर की खुशियां। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आराधना में शामिल हुए ईसाई समाज के लोग महामारी दूर करने के लिए प्रभु यीशु से की प्रार्थना। सीओ बांसगांव नितेश सिंह के नेतृत्व में बेलीपार थाना परिसर की सफाई के साथ साथ थाना परिसर में कराया गया सैनिटाइज, पुलिस कर्मियों को सोशल डिस्टेंस बनाकर मास्क लगाकर रहने की दी नसीहत। और लॉकडाउन के दौरान रविवार को भी पूरे महानगर की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की रही कड़ी नजर।